खराब नरेश है और इस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लानर में एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्चुअली में एलोवेरा का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका अपना, यूएसए की कंपनी है और ऑलमोस्ट 42 साल से काम कर रही है कंपनी। पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा बिजनेस है, ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्री में हमारा बिजनेस है आज की डेट में। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होता है एलोवेरा का, उसमें हमारी कंपनी डील करती है, जिस प्लांट का नाम है एलो बारबा डेंसिस मीटर। अब हम आपको इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है मार्केट में, बहुत सारे लोगों के पास कुछ डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जिनके कारण लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो हम आज आपको ऐसे एक एक्सपर्ट से मिलाना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रहे हैं फॉरएवर में, और वो एक बहुत अच्छा लेवल पे हैं। जो हमारे फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान में है, एक मैनेजर का लेवल होता है, एक रिकॉग्नाइज मैनेजर है। और सबसे खास बात यह है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आज के डेट में कि मेरा अपलाइन कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि नन ऑफ अदर देन मिस्टर रमेश कुमार साहू जी हैं मेरा अपलाइन, ग्रेट अपलाइन है मेरा, और जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था इस इंडस्ट्री में। और आज का जो हमारा गेस्ट है वो मिस्टर रमेश कुमार साहू जी हैं, जो आपको इस चर्चा में, जो हम आज एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा का जो ड्रिंक्स है हमारे पास, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम एक बार आप सभी से अनुरोध करते हैं कि एक बार आप सभी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर रमेश जी का स्वागत कर सर, प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, हमारे इस शो के लिए। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको एक्चुअली में जानना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में। तो सर, आपसे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक जन कुछ आपसे जवाब को जानना चाहते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताऊँ तो मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली में रहा। दिल्ली में आने के बाद मैं वैसे एजुकेशन के लिए आया था, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब सेल्फ जो है अर्निंग के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जॉब के लिए इधर उधर भटका, बहुत सारे इंटरव्यू दिया जहाँ रिजेक्शन मिला, फिर भी मेरे पास एक चीज़ था जो मैं बिहार से लेकर आया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज था। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को डोमेस्टिक कॉल सेंटर में स्टार्टिंग जॉब मिला। ठीक है, और जॉब करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का मौका मिला जिसका नाम है जेनपैक्ट। और बहुत अच्छी सैलरी से स्टार्टिंग हुई थी, जहां मैं डोमेस्टिक में 4-5 हज़ार से शुरू किया था, तो जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेरी सैलरी लगभग 12 हज़ार से शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद 4.5 साल का जर्नी होने के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ था मेरा, वहाँ पे लगभग 22-23 हज़ार सैलरी पहुँच गया था। बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने जॉब को स्विच किया एक दूसरी कंपनी जो नोएडा सेक्टर 62 में है, कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन, वहाँ पर मैंने 2 साल वर्क किया और मेरी सैलरी लगभग वहाँ पे 35-40 के बीच में पहुँच गया और एक अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहा था जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्यूचर सिक्योरिटी की बात होती है और इनकम में जहाँ ग्रोथ की बात है, वहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे जो मन चाहा इनकम चाहिए वो वहाँ से मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि इतना कंपटीशन होता है हमारे टीम्स में, सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा रहता है। अपने फॉरएवर में तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि सब एक दूसरे को ऊपर पहुंचाने में लगे रहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जॉब लाइफ में क्या है, सब एक दूसरे को नीचे करने। बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है सर। बिल्कुल, मैं भी इस इंडस्ट्री में था तो मैं भी देखा कि जो एक्चुअल में देखा गया है कि जो मेरे जो सीनियर है वो कभी ये नहीं चाहता था कि मेरा जूनियर बंदा सीनियर बन जाए। बिल्कुल, ये एक जॉब वाली लाइफ में देखा मैंने, और शायद कहीं ना कहीं वही चीज मेरे अंदर ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, और मैंने इस इंडस्ट्री में क्विट किया, जैसा कि आपको सब कुछ पता ही है। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर एसएन साहू जी हैं, बहुत मेरे गांव में आइडल माना जाता है उनको, आइडल पर्सन के रूप में, क्योंकि वो जिस लेवल से जहां तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों की सोच से पढ़े हैं,
ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे पता शायद गवर्नमेंट जॉब में है वो अभी। हाँ, अभी गवर्नमेंट जॉब में है और पार्ट टाइम ओनली संडे संडे ऑफिस विजिट करके उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो बहुत लोगों का ड्रीम लेवल होता है, सीनियर मैनेजर लेवल पे उनका एक्सप्रेशन है और हम लोग जो है उनके साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने ही मुझे अपने मेरे से एक दिन बात की कि रमेश सैटरडे संडे तुम्हारा छुट्टी होता है तो आ जाओ एक बार, मैं एक उधर कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मैं आया तो मुझे बताया गया, लेकिन मुझे तो उस टाइम सही नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आया एक हिसाब से। तो फिर मैंने बस ये दिमाग में लाया कि जब भैया कह रहे हैं, वो मेरे भैया भी लगेंगे गांव से हैं, जी जी जी, तो जब भैया कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बात हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया, पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, 1.5 साल में मैनेजर लेवल मिला और पहला चेक आया था 55,000 रुपये का, ठीक है। तो जो मैंने 4 साल जॉब किया था वहां पर मेहनत करने के बावजूद 30-35 तक पहुंचा था, 35,000 की सैलरी तक पहुंचा था, लेकिन फॉरएवर में सीधा बोन्स करके पार्ट टाइम में 55,000 रुपए का जो चेक आया था उन्होंने मेरे माइंड को जो है पूरी तरह से सेट कर दिया, नहीं इसमें फ्यूचर सेट कर, बिल्कुल। और जब मैं ऑफिस विजिट किया था तो वहां पर देखा 23 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, कोई 2 लाख रुपए महीने कमा रहे, कोई 3 लाख रुपए महीने का, ये हमें झकझोर दिया था अंदर से। जो मैं वहां पे सालाना पैकेज के रूप में देखता हूँ जॉब में, वो आप मंथली ले रहे, मंथली कमा सकते, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था जो मैं इस इंडस्ट्री में आया। और आज जो टॉपिक है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर, जहाँ तक हमारे दर्शक गणों को पता होगा कि इसके बारे में भी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि एक्चुअल में एलोवेरा किस तरीके से काम करता है, क्या है ये एलोवेरा, कितने टाइप्स के एलोवेरा होते हैं, क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स है ऐसे। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसके बारे में, एक्चुअली थोड़ा सा हमें ना हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये एलोवेरा का जो हिस्ट्री है ये कब से अभी तक लोगों को हमें, हम मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तभी मुझे पता चला कि यार एलोवेरा भी ऐसा कुछ प्लांट होता है जो हमारे बॉडी में इंटरनली काम करता है। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जी, तो थोड़ा सा उस पर आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। वैसे तो युगो युगो से चल रहा है जी, लेकिन हम लोगों जो बुक में पढ़ा है उसके हिसाब से 3,500 साल 5,000 साल से हमारे मतलब सारे मतलब धर्म में जो है इसको उल्लेख किया गया है और यूज होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले 5,000 साल पुराना चीज है। हाँ, हमारे इंडिया में जो है लगभग 7-8 साल पहले जो है चर्चा में आया था जब बाबा जी उसको लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अपनी जो कंपनी है वो 42 साल से हाँ एलोवेरा में ही पूरे वर्ल्ड में सबका मतलब लीडर है। 1978 ईस्वी से काम कर रही है, ठीक है। और हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे हिस्ट्री है। सबसे पहले मैं बात करूँ एलोवेरा के फैक्ट के साथ, मैं गुणों के भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इंडिया के महात्मा गांधी का नाम लूंगा, ठीक है। उनके बायो में पूछा गया था इंटरव्यू में कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा फास्ट पे रहते हैं, धारणा पे जाते हो, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो सबसे आगे चलते रहते हो, उसके पीछे क्या सोर्स है जी। तो उन्होंने जो अपना बायोग्राफी में दिया है उसके अनुसार कि सबसे बढ़िया मतलब भगवान में आस्था, सबसे बड़ा आस्था है भगवान में, और दूसरा एनर्जी का सोर्स है एलोवेरा का खोज मुझे साउथ अफ्रीका में मिला था, तो उसका मैं सेवन करता हूँ और पूरे शरीर में जो है एनर्जी जो है भरा हुआ रहता है। एनर्जी मतलब एलोवेरा को इंटेक करने से नरिश, मतलब आप ये कह सकते हो कि नरिशमेंट के रूप में, जी जी, न्यूट्रिशन के रूप में वो पूरे शरीर में जो है पूरा वो चीज जो खाने से मिलता है वो हमें एलोवेरा से मिलता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट मैं बताऊंगा, एलेजेंडर महान एक टापू जो है युद्ध करके जीता था, उनको पता चला कि एलोवेरा से बहुत जल्दी घाव भर जाता है, उन्होंने टापू को युद्ध करके जीता और अपने वैद्य को जो है जो सैनिक घायल होते थे उनको लगा देते थे कि जाओ आप एलोवेरा से इसका इलाज करो, तो यहाँ से आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी है और कोई भी घाव हो शरीर पे तो बहुत ज्यादा जल्दी रिकवरी होता है उससे, ठीक है। तीसरा फैक्ट मैं बताऊंगा, मिस की रानी हुआ करती थी, मिस की रानी जो हुआ करती थी वो जैसे 18 साल में दिखती थी वैसे 50 साल में दिखती थी, ठीक है। तो उनसे पूछा गया था, सुंदरी मिस की सुंदरी थी वो, बिल्कुल। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं लगाती भी हूँ शरीर में,
खाती भी हूँ और टब में नहाती भी हूँ अलग अलग से। तो एलोवेरा में वो कैपेसिटी है, कॉस्मेटिक गुण कह सकते हैं उसको, सही ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री है, 3,500 साल से हमारे समाज में है, लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को इसके बारे में जानते तो है कि एलोवेरा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में स्टडी नहीं किया है, न जानते। नहीं, लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं सर कि कहते हैं कि आप एक्चुअली में जो हमारे पास एलोवेरा है हम घर में लगा लेते हैं, हम छत पे है हमारे पास, हम वही इंटेक कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे कंपनी का जो एलोवेरा है क्या इसके अंदर ऐसा क्या, क्या कंपनी ने ऐसा क्या प्लांटेशन में इस तरह की क्या चीजें रखा हुआ जो यूनिक है इसका प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि उनके एलोवेरा में और हमारे एलोवेरा में क्या अंतर है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है, तब तक शायद हो सकता है उनकी वाइफ किधर ना हो। बिल्कुल सही। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसकी जो प्लांटेशन प्रोसेस है वो क्या है कंपनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जानना जरूरी है, ये फैक्ट जो है सबको जानना चाहिए कि एलोवेरा, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे से बात करूं, हमारे इंडिया में ना 100-100 साल 150-150 साल पुरानी कंपनियां हैं, जैसे हमदर्द हो गया, हिमालय हो गया, चाहते तो वो लोग भी बहुत पहले एलोवेरा को मार्केट में लेके आ सकते थे। एलोवेरा उगाना तो बहुत आसान है जी, लेकिन एलोवेरा को रखना जो है सबसे मुश्किल है। अच्छा, आपने जैसे एप्पल को काटा, थोड़ी देर छोड़ दिए तो ऑक्सीडाइज होता है जी, इन द सेम वे एलोवेरा में और ज्यादा मतलब वो पावर है कि जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इतना वो ऑर्गेनिक चीज है, ठीक है। तो हमारी कंपनी इसी में मास्टर है, और मैं आपको बता दूं कि ना अभी तक इस तरह से इस प्रोसेस को कोई अपना पाया है, ना इन फ्यूचर कोई कर पाएगा। हाँ, हमारे पास जो प्रोसेस है स्टेबलाइजेशन का, जी जी, वो पेटेंट है, जहां तक पेटेंट है और यूनिक है, और कोई कॉपी नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। तो प्लांटेशन के बारे में जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो हमारी कंपनी के पास जो है लगभग 8,500 एकड़ खेत है अपना। अच्छा, ये यूएसए में ही है? यूएसए में है, और रिपब्लिकन 2-3 जगह पे है, मैक्सिको में भी है। तो हमारी कंपनी के पास जैसे जॉन मिलर साइंटिस्ट थे, उनसे रिसर्च करा गया था, तो वैसे 400 तरह के वैरायटी मिले थे पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, एलोवेरा, एलोवेरा का उसमें से 380 जो है घास फूस है, 0 से 10% 15%। जस्ट लाइक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जस्ट लाइक मेरे ख्याल जैसे एप्पल में कई सारी वैरायटी होते हैं, आम का है ना, मैंगो का बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो उसी तरीके से हमारे एलोवेरा का 400 वैरायटी है। 400 वैरायटी है, बताइए। और लोग जो है कहते हैं हमारे गमले में किसी को कुछ नहीं पता है कौन सा गमला, कौन सा वैरायटी को यूज कर रहे हैं। अब मैंने बताया कि 380 वैरायटी जो होता है वो घास फूस होता है, 0 से 15% तक गुण होता है उसमें, ठीक है। आप कोई यूज कर रहे हैं लेकिन मन को तो संतावना दे रहे हैं जी जी जी, मैं एलोवेरा यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो गुण नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 15 जो है ऐसा भी पाया गया है जो पॉइजनस होता है। अच्छा जी, ठीक है, पॉइजनस होता है, अगर गलती से इंटेक हो गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, हमारे इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल डैमेज हो सकता है, बिल्कुल सही। और रिसर्च किया गया तो 5 ऐसे पूरे धरती पे पौधा मिला, 4 से 5 जो मनुष्य के खाने योग्य है, खाने योग्य, ठीक है। उसके बारे में और रिसर्च किया गया तो एक बारबाडोस नाम का जगह है वेस्ट इंडीज में, उस जगह पे रिसर्च किया तो एक पौधा मिला जिसमें देखा 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू है, 100% कॉस्मेटिक वैल्यू है, और 100% जो है मेडिसिनल वैल्यू है। उन्होंने जो हमारी कंपनी जो उनको नाम दिया एलो बारबाडेंसिस मिलर, ओके, ठीक है। और वो एलोवेरा जो हमारी कंपनी जो 8,500 एकड़ में जो खेती करती है, तो बस उसी प्लांट का जो है यूज कर, ओके, जितने भी मतलब उनके पास प्लांट है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है एलो बारबाडेंसिस मिलर, मतलब टॉप क्वालिटी का जो पौधा है उन्हीं का खेती करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक तो ठीक है, चलो खोज हो गया, इसके लिए गर्म वातावरण होना चाहिए, गर्म वातावरण होना चाहिए जहाँ पर जो है गर्मी ज्यादा होता है, ओके। तो इसमें जो है कुछ खासियत होते हैं इनके लिव्स में कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, साइड से जो मोटा सा जो हरा सा दिखते हैं उसको टच कर पाते हैं, जी जी जी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कंपनी अपनी, हमारी कंपनी क्या करती है कि 2 से 3 साल तक खेत में रखते हैं, और हमारे पास जो खेत है जैसे मैंने आपको बताया 8,500 एकड़ जमीन है, तो उसमें जो है सारा नॉन पोल्यूटेड जोन है। अच्छा, बैटरी वाला रिक्शा से, मतलब बैटरी वाला जो मशीन से होता है या गाड़ी से होता है वो सब यूज किया जाता है। तो इन सब में जो है ना R&D में हमारी कंपनी इतना ऊपर जा चुका है ना कि अभी कोई दुनिया में मुकाबला ही नहीं कर सकता,
पूरे वर्ल्ड का 85% आपको पता ही है कि हमारी कंपनी जो है ऑन करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद पेटेंट के बारे में कहने का ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में ये 100 एलोवेरा जेल अगर बिकता है, 100 लीटर एलोवेरा जेल बिकता है, तो वहाँ पे 85 लीटर फॉरएवर कंपनी का ही बिकता है। देखिए कितने बड़े मार्केट है सर, कितने बड़े बिजनेस है इस कंपनी का, बहुत सोचने वाली चीज है। और दूसरी बात मैंने ये भी सुना है कि इस कंपनी, ये कंपनी कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच नहीं करते हैं। हाँ। तो कहा जाता है कि खेत से लेकर के आप तक पहुंचाने का काम कंपनी खुद ही करती है। बहुत अच्छा पॉइंट, इसको आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहते हैं उसको। हाँ, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, और दुनिया में बहुत ही कम गिने चुने कंपनी है। मैं तो कहूंगा 4-5 होगा ज्यादा। नहीं तो ट्रेडिशनल जो मार्केट है उसी हिसाब से आया है, उठाया है ना, तो पैक किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, जैसे ये पेन है, अब 10 रुपए का पेन अगर मार्केट में लिया हमने, तो इससे ऊपर एक बंदा होगा जो होलसेल वाला पहुंचाया होगा रिटेलर के पास, होलसेल के वाला ऊपर में होगा जो एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जी डिस्ट्रीब्यूटर, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो आपके स्टेट लेवल का होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, तो कहीं ना कहीं ये 10 रुपए में से हर किसी के पास 1-1.50 रुपए कहीं कहीं जाता है। बिल्कुल। तो ये पैसे बीच का कंपनी बचा करके उसको, उस मार्जिन को कंपनी, हम जैसे भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और अपने जो R&D है बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि ये एलोवेरा एक्चुअल हमारे बॉडी के अंदर जब हम इसको इंटेक करते हैं तो काम कैसे करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब आए पॉइंट पे। जी ठीक है, एलोवेरा तो है। हाँ, सबको पता है, पता है सबको, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्योंकि हर कोई यूज कभी देखा हुआ है ना कि लोग कहते हैं यार हमने तो पी लिया भाई, 1-2 लीटर आपका पिया था हमने, 2 लीटर पिया था, 1 महीना हमने पिया था, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो इसको हम इंग्लिश में एक वर्ड लेते हैं जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, और हिंदी में निवशीकरण कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आज के एनवायरनमेंट में बात करूं तो हवा, पानी, भोजन, ये सारे क्या है, केमिकल बेस्ड होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक सर्वे की बात करूँ तो हर एक इंसान जो कहता है कि मैं अपने घर में बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, उनको भी आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी पूरे साल में जी गेहूं चावल के माध्यम से 10-15 किलो यूरिया खा रहा है, जो केमिकल के थ्रू जो खेती हो रहा है आज। बिल्कुल ठीक है। तो हवा के माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है हमारे अंदर, ठीक है, पानी के माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है या केमिकल आ रहा है, जैसे यमुना सबसे सप्लाई होता है तो कुछ परसेंट जो है केमिकल के द्वारा साफ किया जाता है, बाकी उसी में रहता है। गवर्नमेंट कहता है पानी को आपको उबाल कर पीना चाहिए। बिल्कुल। हाउ मेनी पीपल, नो, कितने पीपल जो है उबाल करके पानी पी रहे, वही कहते हैं आरओ लगा लिया। अब आरओ लगाने से आप सोचो कि उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो छन जाते हैं, 8 times फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो जो हमें चाहिए वाटर में, और मिनरल्स जो है बहुत अच्छा कैरियर है, आप जो भी विटामिन्स ले रहे हैं नूडल्स वगैरह जो हाँ, लेते हैं उसको अपने जगह पे पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, पचाने में भी काम करते हैं। अगर वही छन गया तो फिर क्या है, तो जैसे हम पानी पी रहे वैसे निकाल, ठीक है। तीसरा मैं भोजन की बात करूँ, ठीक है, तो भोजन में आजकल जैसे मेरे कुछ मित्र है जो आजादपुर मंडी में काम करते हैं, उन सबसे पता चला कि लौकी इतनी बड़ी होती है, इंजेक्शन लगाया दिन में इतना बड़ा हो गया। आपको कुछ पहले न्यूज भी आया था गाजियाबाद से कि दूध के फैक्ट्री में यूरिया से दूध बनाया जाता है। जी बहुत सारे ऐसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो होता क्या है, मैं आप थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करूंगा, और होगा तो हमारे पास डेमो का भी किट है। जी मैं डेमो करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जो हमारे तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये तीनों सब कुछ के माध्यम से जो टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन होता है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक जो आंत होती है, आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट याद आ जाता है मुझे। सही बात है। आयुर्वेदा के हिसाब से आपकी आंतें, दांत और नसें, जी ये तीनों हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम सही बॉडी काम करेगा, ठीक है, तभी आप पूरी तरह से बीमारी से। एक लाइन ये मेरे को याद आ गया, वैसे तो स्टेज से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर पेशाब साफ हो और हिसाब साफ हो क्या? तो इंसान सबसे बेस्ट इंसान वही कहा जाता है। चलिए वो थोड़ा सा अलग लेवल पे हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो टॉक्सिन्स जब एक्युमुलेट हो जाता है हमारे शरीर में, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा यार डॉक्टर से इलाज तो करा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं होता सर, कई सालों साल लग जाते हैं लोगों को मेडिसिन करवाते हुए। और अगर मैं कुछ बीमारियों का नाम लूं, जी शुगर की बीमारी, कोई इलाज नहीं है मार्केट में,
आपका जैसे ही मेडिसिन खाते रहिए और अपने शरीर को किल करते रहिए। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि आज तो मेरे को लगता है जहाँ तक कि 40 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो डायबिटीज से बेसिक बीपी का बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने डॉक्टर के संपर्क में आ गया टैबलेट चिपका देंगे कंटिन्यू तो खाते रहिए आप उसको। अब होता क्या है कि हमारे आंतों में जो टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन है, अब जो भी चीज हम खाए वो पचेगा, पचने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स ये सब अब्सॉर्ब करता है, हमारी आंतें जो है उसको सोखता है और पूरे शरीर में पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे पेट में गंदगी भरी हुई है, टॉक्सिन्स इतना हो गया है 10 साल 20 साल हर आदमी के एज के हिसाब से टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, किसी न किसी थ्रू जा रहा होगा, वो हो सकता है एयर के थ्रू जा रहा हो, पोल्यूशन के थ्रू जा रहा हो, हम कुछ खाना पीना खा रहे उसके थ्रू जा रहा हो, उसके थ्रू जो बॉडी के अंदर जाता है। अब मैं बताऊं, डेली बेसिस पे हम तो बाहर से सफाई करते हैं जी, डेली हम साफ करते हैं, सही बात। आपको बोलूं 5 दिन ना नहाओ तो कैसे फील होगा? वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं तो लेकिन कभी आपने सोचा 10 साल से आपके पेट में गंदगी जम रही है, कभी अंदर से नहाया आपने? नहीं, अभी जब से फॉरएवर में आया तब से तो समझ में आया कि हम भाई इंटेक कर अंदर से भी नहाने की व्यवस्था। मैं भी एक बार ऐसे मेरे एक है फ्रेंड है सर, मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि उनके पास बहुत अच्छे लग्जरी कार है। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि यार तुमने एक बात बताओ, ये 40 लाख की तुमने गाड़ी लेके आए हो, इसके साथ साथ आपको सर्विस की बुक मिली है हर एक 3 महीने 4 महीने पे या 6 महीने पे, कुछ 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी होती है। तो हमारा जो एक्चुअल एज है, अभी आप 28 साल 30 साल के एज में हो अभी आप, मैंने उनसे पूछा तो आप अपने बॉडी को अंदर से कितनी बार सर्विस की हो, वो एकदम से शॉक हो गया, सुन यार क्या कह रहे हो आप। तब उनको जब मैंने समझाया अच्छे से तो उसने बोला कि नहीं यार भाई ये तो हमें चाहिए, ये बोला होगा। हाँ, उन्होंने डिमांड किया सर, उन्होंने लिया, हमें बस एक्सप्लेन करना है चीजों को अच्छे से बताना है। अब बताइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊँ, तो आंतों में जो गंदगी जम जाती है टॉक्सिन्स, अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको सफाई कराने के लिए जाते हैं तो 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं आंतों को क्लीन करते, ऑपरेशन करके साफ करना, जो मेडिसिनल कांसेप्ट में का सिस्टम है, हमें इतना डीप में नहीं जाना है जी। लेकिन आंतों की सफाई कह लो, नॉर्मल लैंग्वेज में आंतों की सफाई अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाकर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं उसको सफाई करने। लेकिन हम अपने एलोवेरा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा डेमो के माध्यम से बताइए सब। जी जी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा सर, किस तरह से हमारे आंतों में जब गंदगी जम जाती है तो किस तरीके से एलोवेरा जो है कैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बिल्कुल, ये वाटर है सर, प्योर पानी है, मैं एक इंडेक्स करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक तो जानना होता है कि चलो यार ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लिया, सही कह रहे हैं, लेकिन एक एक रियल में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने पूरे फैमिली को लाखों रुपए खर्च होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए राम नरेश जी जो है साफ पानी ले रहे हैं, ये मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि हम एक बॉर्न बेबी का बाहर से हम साबुन लगा रहे हैं डेली, बाहर से साबुन लगा रहे, लेकिन अंदर से जो गंदगी होता है ये जस्ट लाइक देखिए किस तरीके से होता है डेली बेसिस पे। ये अभी फिलहाल बॉर्न बेबी का बिल्कुल पूरा साफ, बिल्कुल लीवर उनका बिल्कुल साफ साफ है, जो भी खाएगा और डेली बेसिस पे जो भी चीज हम इंटेक कर रहे हैं, मेडिसिन या केमिकल हो गया किसी भी तरीके से, पेस्टिसाइड हो गया, यूरिया हो गया, और शाम को पता ही आपको थोड़ा बहुत ड्रिंक भी ले लेते हैं लोग या स्मोकिंग हो जाता है, ये तमाम तरह की चीजें जो डेली बेसिस पे जा रहे हैं बॉडी के अंदर, ये इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या काम करता है सर? ये पूरी तरह से हमारी आंतों को जो है गंदा कर देते हैं, उसके बाद कितना भी हम अच्छा खाना खा ले बिल्कुल तो हमारे शरीर में लगता नहीं है। ये देखिए किस तरीके से ये पर डे एज के हिसाब से, एज के हिसाब से होता है, जैसे जैसे हमारा एज जितना जितना बढ़ गया है उस हिसाब से आप अपने बॉडी को देख लीजिए कि कितनी बार आपने इसको सर्विस किया है, अंदर से सफाई की है। ये इस तरीके से हमारे बॉडी में डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स जा रहे हैं। इसमें हमने केमिकल के रूप में एक एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, इसमें जो है बीटा डी नाम का केमिकल आता है जो सबको जानता है घाव पे लगाते हैं मेडिसिनल टर्म में, ठीक है केमिकल है। तो साफ पानी में जब केमिकल डालते हैं तो इस तरह से हो गया, ये पानी जो है गंदा हो चुका है, अब इसको कोई नहीं पी सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए एलोवेरा हमारा किस तरह से काम करता है और कितना इंस्टेंट काम करता है ये थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। ये एलोवेरा वही है सर जो यूएसए से है। बिल्कुल ये लाखों रुपए आपके बचा सकते हैं और अगर आपने सही से समझ लिया तो लाखों रुपए आपके घर में इनकम लेके आ सकते हैं। ठीक है इसमें डालूं सर? हाँ बिल्कुल इसमें से डाल के अब थोड़ा सा चम्मच से देखिए धीरे धीरे जो है अंदर से पूरी तरह से शरीर को इसी प्रकार से जो है ये काम करना शुरू कर दिया है। ये हमारे बॉडी के अंदर से किस तरीके से टॉक्सिन्स को काम करना शुरू कर दिया है और पूरी तरह से देखिए जिस तरह से पहले पानी था एकदम साफ वैसे ही साफ हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर से सारे गंदगी को बाहर निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं कमाल का रिजल्ट है सर। देखिए किस तरीके से डिटॉक्सिफाई किया हमारे बॉडी। अब लोग कहते हैं सर कि ये लेने के बाद क्या हमें एलोवेरा लेना जरूरी नहीं है क्या? क्या हम इंटेक कर सकते हैं क्या जो भी चीजें हम ले लेते हैं मतलब शाम का चीजें लोग जो लेते हैं जहाँ तक देखा गया है। तो मैं आपको एक बार चीज और यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने इसको कंटिन्यू 3 महीने का कोर्स होता है जहाँ तक क्यों सर 100 डेज 100 ml अब इसके बाद अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल्स जा रहे हैं सर यकीन मानिए देखिए किस तरीके से काम करेगा ये आप इसके अंदर केमिकल डालिए जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है अगर आपने इसको कंटिन्यू ले लिया 3 महीने तक देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके बॉडी में। तो ये इस तरीके का रिजल्ट मिलता है इस तरीके का काम करना होता है इसका इस तरह का बेनिफिट देगा आपको। और जैसे मैंने बताया था कि जब आपकी आंत बहुत बढ़िया साफ हो जाते हैं अगर कोई मेडिकल चैलेंज से भी अगर गुजर रहे जी ठीक है किसी को कोई डिजीज है और डॉक्टर से कंटिन्यूसली दवाई ले रहा है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि अगर आपने अपने लाइफ में एलोवेरा ऐड कर लिया तो वो जो दवाई 1 साल में 6 महीने में रिजल्ट देगा वो सीधा 50% कम हो जाएगा। अरे वाह अगर 1 साल किसी बीमारी को सही होने में या आपको टाइम लग रहा है तो सीधा 6 महीने पर आ जाएगा अगर 6 महीना लग रहा है 3 महीने आ जाएगा। ये काम मेडिसिन का काम करने का जो पावर है उसको और बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स उसको ये रिमूव कर देता है ये हटा देगा आपको साफ कर देगा और ये कैरियर का भी काम कैरियर का भी काम करता है ये उसको और आगे लेके इसमें थोड़ा सा बताओ इसमें लिग्निन और सैपोनिन नाम का तत्व होता है। जी जी लिग्निन क्या करता है हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है जो भी गंदगी है उसको ढीला कर देता है और सैपोनिन दूसरा तत्व होता है सैपोनिन जिससे हमारे साबुन का नाम आया सोप का नाम आया है वो क्या करता है पूरी तरह से साफ कर देता है। साफ कर देता है। मैं आपको पीने का भी थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ जैसे 100 ml ऐसे तो पूरा डब्बा भी पी जाए साइड इफेक्ट नहीं है ठीक है तो कई बार पिए हैं इसको। हाँ तो इसको पीने के बाद सुबह सुबह खाली पेट में पीजिए बिना कुछ मिलाए हुए जैसा ग्लास उठे और इसको खाली पेट में लीजिए और आधे घंटे बाद। अच्छा एक चीज और बताइए सर मैं इसको शीशे वाले ग्लास में लेना चाहिए या और किसी भी ग्लास में ले सकते हैं? नहीं मैं प्रीफर यही करूंगा आपको सलाह यही दूंगा कि अपने दर्शकों की शीशे के ही ग्लास में लीजिए क्योंकि स्टील हो गया तो कुछ अलग टाइप से केमिकल इसमें बहुत सारी चीजें है आयरन है मिनरल्स है बहुत कुछ है इस एलोवेरा में एक संग का डर होता है। ओके ठीक है तो शीशा जो बेनिफिट मतलब नहीं मिलेगा ग्लास में ठीक है। ठीक है तो इस तरह से आप यूज करेंगे Okay. तो आधे घंटे बाद जब गुनगुना पानी लेते हैं तो सारे टॉक्सिन जो है बाहर से धीरे धीरे 100 डेज अगर कोई बंदा अगर अपने शरीर में ये लेना शुरू करे ना 100 ml जिस तरह से एक गाड़ी को बढ़िया से सर्विस करा के लाते हैं ना और एकदम रोड पे दौड़ता है वैसे आप अपनी इफिशियंसी देखेंगे कि हमारे शरीर में कैसा एनर्जी आ गया। अच्छा सर एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाता है कि ये जो एलोवेरा है आपका वो किसके लेना चाहिए एक्चुअल में क्योंकि लोग मार्केट में पता क्या कहते हैं यार हम बीमार थोड़ी है जो हमें लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा जी बारिश हो रही है ओके बारिश हो रही है केमिकल की बारिश हो रही है खाद की बारिश हो रही है पेस्टिसाइड्स केमिकल की मतलब जितने भी हवा के माध्यम से बारिश हो रही है अब ये सोचिए कि बारिश से अगर किसी को बचना है किसको बचना है सबको बचना है सबको बचना है सिंपल सी बात है हम जो डेली क्या आप खाना नहीं खा रहे बिल्कुल खा रहा हूँ आप खाना के माध्यम से जा रहे हैं जा रहे डेली जा रहे सही बात है ये सबके लिए सबके मतलब हर और मैं आज बताऊँ एक अच्छा पॉइंट आ गया कि अगर आज आप जरूरत समझ करके ले रहे हैं जी तो बहुत बढ़िया है तो बाद में आपको याद रखना मजबूरी में लेना पड़ेगा क्योंकि स्थिति और खराब होने वाली है आप देख सकते हो ना मार्केट में। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल 2005 में WHO ने रिसर्च किया था अपने इंडिया में
पता चला था कि 51% जो लोग है वो मतलब अनमैच्योर डेथ हो रहे हैं। अच्छा जी, ये एक्चुअल जो एज होता है अनमैच्योर का मतलब ये समझिए। हाँ, जैसे कोई 50 साल में मर गया, जैसे अभी अभी कुछ बड़े बड़े सितारे भी हैं। ओके, जेटली साहब कितने एज पे चले गए, सुषमा स्वराज और क्या क्या बहुत सारे नाम है, मैं उसमें जाऊंगा। प्री मैच्योर डेथ, तो सर्वे किया कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन सामने आया जी कि सबसे पहले उस टाइम का मतलब रिसर्च जो था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जैसे डॉक्टर्स की कमी थी, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी थी हमारे इंडिया में, 2005 की बात कर रहे हैं, हाँ, हॉस्पिटल्स की कमी थी, डेफिनेटली सही कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उस पे फोकस किया और इसको खूब बढ़ावा दिया। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत सारे ओपन किए। हाँ, खूब बढ़ावा दिया। आप देखेंगे हर गली में हॉस्पिटल प्राइवेट मिल जाएंगे या गवर्नमेंट दूरी पे गवर्नमेंट ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को लगा यार इतना सब कुछ कर दिया, अब जो है मामला सही हुआ, कंट्रोल में आया, ठीक है। लेकिन 2015 में जो रिसर्च हुआ, फिर से सर्वे हुआ, तो पता चला, वो आपके हिसाब से बताइए 51% से क्या वो कम होना चाहिए था डेथ रेशियो या ज्यादा होना चाहिए? सर देखिए, अगर गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है, फोकस किया, तो डेफिनेटली वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात बताऊं, वो बढ़ करके 71% हो गया। फिर कारण ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्या रीजन, क्या रीजन है, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो रीजन पता चला कि आज के डेट पे मैक्सिमम लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो चुका है। फिजिकल एक्टिविटी आप देखेंगे, पहले टीवी होता था, उसमें जाकर के चैनल चेंज करते थे हम, जाके रिसीवर वाला फोन होता था जी, वो मतलब वो था, एक्टिविटी चलते रहते थे, कुछ ना कुछ काम के लिए लोग चलना वरना इधर उधर घूमना। अभी इतना रिमोट कर दिया है, रिमोट कंट्रोल, बेड पे सोते सोते आप फोन पे बात कर रहे हो, बेड पे सोते सोते टीवी देख रहे हो, सही कह रहे हैं आप। फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहला जो है पॉइंट निकाल के आया था, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, वैसे अभी तो लॉकडाउन है जी, घर में ही थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि खाने में, जैसे हमने थोड़ी देर पहले न्यूट्रिशन की बात किया था, तो वैसे न्यूज चैनल पे भी, जी न्यूज पे या आया था कि खाने में लगभग 30-35% 40% जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो चुका है। अच्छा जी, खा तो रहे हैं हम भरपेट पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और वो न्यूट्रिशन जो पहले आज से 25-30-40 साल पहले मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए 25-30 साल पहले या 40 साल पहले इतना लोग बीमार नहीं पड़ता था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूं, तो उस टाइम पे अगर मैं, जैसे हमने भी देखा है 2000-2003 के आसपास में, जैसे हमने ऑब्जर्व किया है, जब हम कीड़ा को काटते थे और घिसते थे तो क्या होता था, झाग निकलता था। ऐसे ही हमारे सारे साग सब्जी में क्लिंजिंग का पहले से इफेक्ट था, ठीक है, तभी हम इतना बीमार नहीं पड़ते। अभी क्या हुआ है कि सारे केमिकल पे बन रहा है इतना अच्छा अच्छा खीरा, लेकिन उसमें अंदर कोई पावर ही नहीं है, तो क्लीन क्या करेगा। ओके, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आया था, दूसरा मैंने बताया कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई, और तीसरा पॉइंट जो है ये जो अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन जो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब टॉक्सिन्स का जो एक्युमुलेशन हो रहा है उसकी हम सफाई नहीं कर रहे, इससे पता चला कि मैक्सिमम लोग जो है बीमार हो रहे हैं और आज के डेट में प्री मैच्योर डेथ के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब है कि ये सबके लिए, सबके लिए कंपलसरी है कि सबको लेना चाहिए यहाँ पे, सबको यूज। इवन मैं आपको बताऊं सर, मेरा 7 महीने का बेटा है, मैं उसको भी पर डे, ये तो एलोवेरा जेल प्योर एलोवेरा है हमारे पास, हमारे पास और भी 2 वैरायटी है, उसके बारे में एक विक्सन पिचेज आता है, मैं उसको डेली पिलाता हूँ, बड़ा शौक सर बच्चा पीता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है सर मार्केट में कि यार आपका जो एलोवेरा है ना बहुत महंगा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में करते हैं जी, जी, ये मैं बोलूंगा जो फॉरएवर में स्टार्टिंग में आते हैं जी, या फर्स्ट टाइम सुनते हैं उसको बड़ा झटका लगता है, बहुत झटका लगता है सर, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम भी आए थे फर्स्ट टाइम तो हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मार्केट के एलोवेरा से बात करूँ जी, तो मान लीजिए कोई बाबा का एलोवेरा है, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लोग जो है कहते हैं कि बाबा का एलोवेरा जो है 250 रुपए में 1 लीटर मिल जाता है, तुम्हारा 1 लीटर का मैं क्यों 1450 या 1672 इतना रुपए कैसे दूं, क्यों दूं,
यहाँ पर समझने वाली बात है अपने इंडिया में, चलिए एक और पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है, मैं भी ये भी बता, अपने इंडिया में कोई चीज बेचना हो ना, अपने इंडिया में कोई भी चीज बेचना हो जी, आप प्राइस घटा दीजिए, क्वालिटी घटा दीजिए, किसी को कुछ नहीं पता क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, ना ही कोई पढ़ता है, ठीक है, आपने प्राइस घटा दिया, ऑफर पे ऑफर डाल दिया, खूब बिकेगा, यही आप एजुकेटेड कंट्री में चले जाइए, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जो समझदार एजुकेटेड कंट्री, जापान हो गया, वहां पर अगर किसी प्रोडक्ट्स को जैसे प्रमोट करना है, यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बढ़ाना होगा और प्राइस बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्वालिटी बढ़ाइए, अपने इंडियन का क्या माइंड सेट है और बाहर के लोगों का क्या माइंड सेट है, हमें थोड़ा सा क्वालिटी को कम कर दीजिए, हाँ अपने इंडिया में क्वालिटी कम कर दीजिए और उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दीजिए, हाँ, और कमाइए दवा, बिल्कुल, जैसे अभी आपका मार्केट के एलोवेरा के बारे में डिस्कस कर रहा था मैं, तो उसमें क्या होता है, आपको बोलेगा एक लीटर एलोवेरा है, लेकिन उसमें जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं देखकर चौंक गया था, एक्वा लिखा होता है सबसे पहला, एक्वा, एक्वा भी किसी को पता, सही कह रहे हैं आप, नहीं पता, एक्वा भी पानी, पानी मिला हुआ है उसके अंदर भाई, सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स मैं ये नहीं कहूंगा, सबसे पहला एलोवेरा लिखा होता है, अपनी कंपनी का देखिए सबसे पहला लिखा होगा एलोवेरा, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा, ठीक है, उसके बाद एलोवेरा लिखा होगा लेकिन परसेंटेज लिखा होता है आगे 9.4%, अब मान लीजिए 10%, 10% मान लीजिए, अब 10% एलोवेरा के लिए आपने 200 रुपए पे किया, 200 रुपए या 250 रुपए जो मार्केट में चल रहा है आपने पे किया, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे 100% के लिए कितना पेमेंट लेंगे, 10% के लिए 200, 100% के लिए 2000, मैं यहाँ कहता हूँ कि सेल लगा हुआ है, नहीं मिल रहा है सर अभी तो, ठीक है, अभी तो इतना डिमांड है यहाँ आप देखिए कितना परसेंट डिस्काउंट पे, अगर मैं 2500 रुपए का लगा लूँ तो 50% तक डिस्काउंट पे जाता है अपना एलोवेरा, तो मतलब ये जवाब है लोगों को, है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, एक्चुअली में नॉलेज की कमी है, वो एक्चुअली इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते नहीं है, उस पर लिखा हुआ क्या है उसको पढ़िए और फिर प्रोडक्ट्स को बाय करें, या एक्चुअली कहने का मतलब फाइनली ये है कि अगर आप क्वालिटी के देख रहे हैं, क्वालिटी के लिए जा रहे हैं, तो आपको फील भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ आप बाहर के एलोवेरा 20 बोतल पी लो, 20 बोतल कंटिन्यू पियो, पहले चेक करना है ना आपको, फॉरएवर का एलोवेरा वैसे तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा प्रूवन सिस्टम है, पूरे 160 देशों में चल रहा है, देशों का जो मिनिस्टर कहीं से भी हेल्थ मिनिस्टर है, क्या हमारे तो क्या हुआ चेक करने, कहीं से भी कोई भी आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते तो मैं कहूंगा मार्केट का पहले 20 बोतल एलोवेरा जेल पी लो, और फिर आप हमारा एक एलोवेरा जेल पी लो, आप देखना क्या डिफरेंस रिजल्ट आता है, और यहाँ पे एक चीज और भी है सर कि अगर आपने वहाँ का 20 एलोवेरा जेल पी लिया, आप एक चीज यकीन मानिए कि 20 एलोवेरा जेल पीने के बाद ना आपके पास 1 रुपए का बोनस इनकम नहीं आएगा, नहीं आएगा, और बट अगर आपने यहाँ पे ये काम कर दिया तो ये जो आप अभी पे कर रहे हैं आपको लग रहा है कि अभी महंगा है, सर यकीन मानिए ये आपको ना फ्री ऑफ भी मिलेगा, लेकिन इसके सिस्टम को समझने के लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा ठीक है, अब दूसरी बात करूं मैं, एक और बात आ गया मेरे ख्याल में, बाहर के जो एलोवेरा होता है उसके बाद कुछ केमिकल्स के नाम होते हैं, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट एक्वा होता है, उसके बाद एलोवेरा 10% के आसपास, उसके बाद कुछ केमिकल्स होता है जिसके द्वारा वो प्रिजर्व किया जाता है, ओके, जो उनका प्रोसेस है क्योंकि एलोवेरा को तो आज तक ना हिमालय कंपनी सही से बना पाया जो भी है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रिजर्वेटिव डाल के 6 महीने 1 साल के लिए उसको रखा जाता है, उस पर कॉशंस लिखा जाता है, हमारे एलोवेरा में कोई कॉशंस नहीं लिखा है, आप किसी को आज जन्मे हुए बच्चे को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 100 साल के बूढ़े को भी दे सकते हैं बिना हेजिटेशन के, सही है, मैं लेकिन उस पे मार्केट के एलोवेरा पे लिखा हुआ है कि 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते हैं, बिना मेडिकल परामर्श के नहीं दे सकते, तो दे किसको, ठीक है, हमारा एलोवेरा है ये तो दुनिया का सर्वोत्तम है, जिस किसी को भी पिलाइए किसी भी कंडीशन, हम डायरेक्ट जो है इंसान के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, इसको टेस्ट भी करते हैं डायरेक्ट इंसान के ऊपर टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट किया, पूरा मिरेकल चीज है, क्योंकि इसका जहां तक मुझे पता है सर कहते हैं कि 145 से लेकर के 300 बार
टेस्ट होने के बाद ये हमारे पास आता है। सर अभी कुछ मैंने रिसर्च देखा था 4-5 दिन पहले, तो 1.5 मिलियन टेस्ट होते हैं पूरे ईयर, एक साल में टेस्ट होते रहते हैं सारे, जितना आरएनडी कितना स्ट्रांग है, सारे टेस्ट मिला करके देखा जाए तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख टेस्ट होते हैं इंडिया में। कोई कंपनी जो है ना सोच भी नहीं सकते सर, अभी भी नहीं सोचा होगा या तो सही बात है, भी नहीं सोचा होगा। इतनी कंपनी तो मैं ऐसे भी देखा हूँ सर जिसका शायद हो सकता है एनिवर्सरी ही नहीं आता, एनिवर्सरी आने से पहले बंद हो जाती है। चलिए खैर ये उनका अपना पार्ट है सर। एक चीज और मुझे बताइए सर, लास्ट है सर, बस 2-3 मिनट और लूंगा आप लोगों से, बने रहिएगा ताकि आपको नॉलेज से कहीं आप चूक ना जाए। एलोवेरा तो सर आपका बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ फ्लेवर में आता है आपके पास? सबसे पहले मैं एक बात और कह देता हूँ कि एलोवेरा जो है ना 3 स्टेज में काम करता है। सबसे पहले तो क्लेंजिंग करता है, हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर करता है। दूसरा स्टेज जो होता है नरिशमेंट का काम करता है, जो भी नरिश मतलब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, एमिनो एसिड की आवश्यकता है, तो वो सब हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। तीसरा स्टेज आता है कि कोई ऑर्गन्स, जैसे मान लो 30 आज के डेट में क्या होता है 30 साल का बंदा जो है ना 50 साल का दिखना शुरू होता है। सही कह रहे हैं आप, तो है तो 30 साल के, लेकिन उनके अंदर की जो ऑर्गन है वो 50 साल वाला हो गया है। सही कह रहे हैं, तो वो जो डैमेज हो गया है ऑर्गन उसको वो रिपेयर करता है, मरम्मत करता है, और सब बहुत सारे एंथ्राकुलन्स वगैरह सब कुछ है, मिनरल्स है, तो पूरे शरीर को जो है। आपने जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स कह लो, आपके पास कुछ और भी, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपके पास कितने फ्लेवर्स इसका अवेलेबल है जो ताकि हमारे दर्शक। वैसे तो अभी हमारे और इसको एक चीज और बताइए, इसका फायदा किस किस चीज में, किस किस टाइप के पर्सन ले सकते हैं इसको? जैसे मैंने बताया कि जो बीमारी जहाँ से शुरू होती है ना, आप अगर आप हेल्दी भी रहना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, एक आप हेल्दी हैं, मान लीजिए मैं आप हेल्दी हैं, जी जी, क्या आप बीमार पड़ना चाहेंगे फ्यूचर में? नहीं चाहेंगे सर, बिल्कुल नहीं। आप इसको लेते रहिए, ओके ठीक है, मतलब हर कोई ले सकते हैं, हर किसी कंडीशन में, हर किसी कंडीशन में। अगर किसी को कोई बीमारी हो गया है, उससे चाहता है कि जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले, एक सपोर्ट के रूप में जो मेडिसिन चल रहा है वो चलने दे। अच्छा, मेडिसिन जो ले रहे हैं वो इनके साथ साथ ले सकते हैं या मेडिसिन रोकवाते हैं उनको? और ये बिल्कुल नहीं, ऐसा हम डॉक्टर नहीं है जी, ठीक है, डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट दे रहा है वो सिम्टम्स पे काम करते हैं, वो जरूरी है, वो जरूरी है, मतलब मेडिसिन के साथ साथ हो गया है जी जी, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, करना चाहिए, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है लेना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा, उस बीमारी का जो ड्यूरेशन होगा सही होने का उसको कम कर देगा, और बाद में अगर इसको कंटिन्यू कर लिया, मेडिसिन छोड़ दिया, जैसे बीमारी सही हो गया, सही हो तो मेडिसिन छोड़ दिया, लेकिन अगर उसके बाद अगर इसको कंटिन्यू कर लिया तो कभी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम है बस। चलिए सर थोड़ा सा आप इसके फ्लेवर के बारे में बता दीजिए, आप और भी प्रोडक्ट्स हैं ठीक है। इसमें मैं बात करूँ अपना, सबसे 3 एलोवेरा का हमारे पास ड्रिंक्स है। सबसे पहले तो ये बड़े बोतल और छोटा बोतल दोनों अवेलेबल होते हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलोवेरी नेक्टर, ये किस किस चीज में काम आता है सर? इसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी देखिए, कॉम्बिनेशन में भी हमारी कंपनी जो है मास्टर है, चाहे न्यूट्रिशन में हो चाहे एलोडेंस में हो जी, ठीक है। ये कंपनी ने क्या, अपनी कंपनी ने क्या किया है कि इसमें 90% एलोवेरा और 10% में क्रैनबेरी और एप्पल का एक्सट्रैक्ट मिलाया है। ओके, इससे क्या होता है कि अगर किसी को इंटरनल पेशाब से संबंधी, यूरिन से संबंधी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है। ओके, किसी को पथरी की शिकायत हो जाती है, स्टोन की जिसको दिक्कत है, हाँ, सही है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ओके ओके ठीक है, किसी लेडीज में खासकर जो है बहुत ज्यादा, वैसे पता ही है आप लोगों की इंटरनल जो प्रॉब्लम होते हैं लेडीजों के, बहुत सारे इंटरनल जो सिस्टम होते हैं उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, खासकर हम लोग भी जो है, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स से अगर अपने आप को दूर रखना है, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है, इसका फ्लेवर, फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, सही है। अगर मैं ये बताना चाहूंगा कि शुगर वाले पेशेंट जो है उनको हम नहीं दे सकते ये, उसके लिए येलो वाली बोतल है, लेकिन ये हम सब पी सकते हैं जिसको शुगर नहीं है। तो अगर किसी को इसमें पीने में थोड़ा सा स्वाद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा कि कॉकटेल बना के इसको मिक्स करके आ जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, सही कह रहे हैं। ये हमारा दूसरा फ्लेवर है। तीसरा फ्लेवर जो है ये हमारा है येलो पीचेस। ओके, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, बहुत बढ़िया, ये सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें जो है उसको क्या चाहिए, विटामिन ए का सोर्स चाहिए जी, लेकिन हमारे खाने पीने में क्या मिल रहा है, सारा केमिकल, सारा केमिकल, ठीक है।
तो आपको मैं बताऊं तो ये 84% अप्रोक्स एलोवेरा है, बाकी पीचेज है जो पहाड़ियों में फ्रूट्स होते हैं पीचेज नाम का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। तो विटामिन ए का भरपूर सोर्स है इसमें, विटामिन ए का भरपूर सोर्स है। एलोवेरा का जितनी कहानी हमने अभी बात किया वो तो है ही, उसके साथ साथ मतलब एक्स्ट्रा विटामिन ए का सोर्स है। अगर कोई बच्चा है आजकल देखते होंगे, मैं अपने रिलेटिव्स में भी देखता हूँ जो हमारी बातें नहीं मानता है, नहीं मानते स्टार्टिंग में, सही है, जान पहचान के लोग है वो हमारी बातें नहीं मानता है, वो कहता है कि ये तो घर का आदमी है वो क्या समझाएगा मुझे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 5 साल से कोई बंदा नॉलेज ले रहा है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम लोगों को बताते हैं तो बिलीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आजकल देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को चश्मा लग जाता है, जी सही है, चिड़चिड़ापन रहता है बच्चे में, सही से स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन हो सकता है ये? जहाँ तक मुझे पता है सर कि फ्लोराइड की मात्रा बॉडी के अंदर जाने से या जो केमिकल्स जो ले रहे हैं बाहर की चीजें जो ले रहे हैं, बाहर की चीजें जैसे पिज्जा बर्गर पता नहीं बच्चे सबको आजकल जो है कुछ ये सब चीजें लाइक मोबाइल पे गेम खेलना, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम तो हो रहा है, लेकिन शरीर में उतना एनर्जी तो जा नहीं रहा। ये आप मतलब ऐसे तो सब कोई ले सकता है, मतलब आप भी जैसे बोला, हाँ मेरा फेवरेट है सर, मैं तो यही इसी को लाइक, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आंखों से मतलब कभी हमारा रोशनी ना घटे, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर है ये, मैं भी इंजॉय करता हूँ इसको, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैंने आज भी एक पिक्चर जो है मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था, उसमें लिखा था कि स्टार्ट योर डे विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, आप हमारा एलोवेरा लीजिए, और हमारी कंपनी का एक आरजी प्लस नाम का प्रोडक्ट आ जी 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 है सर, ये रहा ठीक है, आरजी प्लस बिल्कुल, ये दुनिया का ब्रह्मास्त्र, आपको ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, इसके बारे में हम ट्रेनिंग करेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, दो दिन बाद हम ट्रेनिंग का सेशन, और मिरेकल मॉलिक्यूल के नाम से, ठीक है, इसको प्रसिद्ध किया गया ये। और ये अगर आपने कोई बेसक है, कोई जैसे 30+ एज के लोग है अगर वो कंटिन्यूसली लेता रहता है ना तो कभी बूढ़ा हो गई। अच्छा इसके बारे में बता रहे हैं आप, ये दोनों के बाद कॉम्बिनेशन अगर यूज किया तो शरीर में कभी बुढ़ापा का लक्षण दिखाई नहीं देता। अगर कोई 50 साल का बंदा है अगर 6 महीना 1 साल कंटिन्यूसली दोनों का ले लेना तो अपने लाइफ में 5 साल बैक हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं बाकी इसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। इसके बारे में मैं दर्शन उनको बता दूं कि इसका ट्रेनिंग हमारे पास 22 तारीख को ठीक 6 बजे फिर से आप लाइव होने वाले हैं, तो 22 तारीख को शाम को 6 बजे इसका ट्रेनिंग मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल जो आज का हमारा ट्रेनिंग था, एक्चुअल हमारा एलो ड्रिंक्स के ऊपर ट्रेनिंग था, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, कंटिन्यू हम करते रहेंगे। एक हमारा मीटिंग सर अब यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आप दर्शन उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद, सबने इसको अच्छे से सुना समझा। मैं एक चीज बताऊँ आपको, अगर हम लोग कुछ आपको बता रहे हैं इसका मतलब है कि हमने सीख के आया हुआ है, हमारे पास वो नॉलेज है, तभी हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल सही। और अगर आप लोग इसको सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अब क्या है, अब इन चीजों को आपको विश्वास कब होगा, जब आप इसको इंटेक करेंगे, जब आप इसको सिस्टम से आप इसको यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब इन सब प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, ये प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे पास देख लो आप यहीं पे अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो हमारे फ्लेवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास मिलेगा आपको, ना जाने ऑनलाइन मिलेगा आपको, मेडिसिन के शॉप पे मिलेगा, बट इसका एक सिस्टम है, इस प्रोडक्ट्स को लेने का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, कंपनी के थ्रू आप इस प्रोडक्ट्स को लीजिए, आप हमारे थ्रू चाहे हम कंपनी से, मैं भी मैनेजर हूँ सर भी मैनेजर है फ्लेवर में, आप हमारे साथ जुड़ के आप इसमें, आप एक फॉर्म आता है फॉर्म भर के आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, हमारी कंपनी का एक वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है foreverliving.com, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए हमसे आप कॉन्टेक्ट करिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए या आप हमसे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मेरे पास नंबर आपको प्रोवाइड होगा वहां पे, तो इस थ्रू आप हमसे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इस मीटिंग को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो भी लोग आप अभी ऑनलाइन आप लोगों ने देखा समझा इसको, आपको ऑनलाइन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं, हम फिर 22 तारीख को शाम को 6 बजे ऑनलाइन हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर।